माइक्रोबाइल इंफॉर्मेशन टुडे वी डिस्कस अबाउट द कोविड 19 इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। इन लास्ट वन वीक स्पेशली यूएसए, मोर देन टू लैक्स किड्स आर इन्फेक्टेड बाय द सार्स कोव-2 वायरस दिस इंफॉर्मेशन इज रिलीज बाय अमेरिकन एकेडमिक ऑफ पेडिएट्रिक्स एंड द चिल्ड्रन एसोसिएशन उनके मुताबिक अभी पिछले सेवन डेज़ में अमेरिका में लगभग दो लाख बच्चों को कोविड नाइन्टीन का इन्फेक्शन हुआ है जिनमें से ज़्यादातर केसेस जो थे इन्फेक्शन के वो असिमटोमैटिक थे और वो बहुत ज़्यादा सीवियर्स नहीं थे अप्रॉक्स सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट जो चिल्ड्रेन कोविड पॉजिटिव थे उन्हें बहुत ही माइल्ड सिम्टम देखा गया था और वो असिमटमैटिक थे ओनली वन टू टू परसेंट केसेस जो हैं कोविड नाइन्टीन के जो किड्स में देखे गए हैं वो सिम्टमेटिक थे और उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ी थी लेकिन अभी जो इन्फेक्शन का स्प्रेड देखा जा रहा है पूरे वर्ल्ड में कोविड नाइन्टीन का उसमें किड्स में इन्फेक्शन तो हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीकेशंस नहीं देखे जा रहे हैं इंडिया में भी कोविड 19 का इन्फेक्शन बच्चों में देखा गया है ख़ास तौर पे महाराष्ट्र केरला कर्नाटका में केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं जिनका एज जो है दो साल से लेकर के बारह साल के बीच में है तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जो इन्फेक्शन का जो स्पीड है बच्चों में वो पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई हो रहे हैं लेकिन इनका जो मॉटलिटी uh, रेट है वो बहुत ही कम है बच्चों में जो इन्फेक्शन काज कर रहा है कोविड 19 वो डेल्टा वेरिएंट ही है ऐसा जीन सीक्वेंसिंग के बाद पता चला है और जो इन्फेक्शन होने के बाद चिल्ड्रंस में कोविड 19 के इन्फेक्शन को तीन स्टेज में कैटेगराइज किया गया है माइल्ड मॉडरेट और सीवियर माइल्ड और मॉडरेट में जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यानी कि सिम्टोमेटिकली उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है सीवियर केसेस में पेशेंट जो हैं उनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए एडवाइस किया जा रहा है तो ज़्यादातर केसेस जो हैं कोविड 19 के चिल्ड्रंस में वो असिमटोमेटिक्स हैं माइल्ड और मॉडरेट हैं बच्चों में इन्फेक्शन को देखते हुए डब्ल्यू एच ओ ने पूरे वर्ल्ड में जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है कोविड नाइन्टीन के अगेंस्ट में बच्चों के लिए उन पर ज़्यादा फोकस करने को कहा गया है ताकि जल्द से जल्द वैक्सीन जो अंडर ट्वेल्व ईयर के हैं उनके लिए मार्केट में आ सके अभी जो फाइज़र की जो वैक्सीन है वो ट्रायल में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट उसमें देखा गया है और उम्मीद है कि सितंबर मिड और लास्ट तक वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे इनका जो फाइज़र का जो वैक्सीन है फ़ाइज़र बायटेक का वो 12 टू 18 ईयर के बीच के बच्चों के लिए अवेलेबल होने वाला है में भी जाइडस ने 12 टू 18 ईयर के बीच के बच्चों के लिए एक वैक्सीन ट्रायल किया है जिसको अभी डी ने इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन दे दिया है अभी जाइडस ने इसका डोज जो डिसाइड किया है वो थ्री डोज हैं और आने वाले टाइम में ये वैक्सीन बच्चों के लिए अवेलेबल होगा